लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्र अध्यक्ष और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं? कम से कम उनके दिए हालिया बयानों से यही झलक रहा है। पिछले कुछ दिनों से चिराग पासवान बीजेपी, एनडीए और मोदी सरकार की लाइन से बिल्कुल अलग राय रख रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी के कोटे के अंदर कोटक के फैसले का विरोध किया, फिर यूपीएससी के लेटरल एंट्री के विज्ञापन का विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के भारत बंद का समर्थन कर दिया। अब रांची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाति जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मांग के समर्थन में खड़े हो गए। रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में हमेशा से ही रही है। हम भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसकी वजह यह है कि राज्य या केंद्र की जो भी योजनाएं बनती हैं वह जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा में जोड़ने या संबंधित योजना के धन वितरण उचित मात्रा में उस जाति को हो सके। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो एलजेपी रामविलास का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में आयोजित करना एक रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे कहते हैं, एलजेपी झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में कम से कम 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अब अलग राह पर चल पड़े हैं। चिराग पासवान के हालिया बयानों से बीजेपी और एनडीए काफी असहज महसूस कर रही है। पिता की तरह वह भी बड़े मौसम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। बीजेपी के लिए भी मजबूरी है कि वह अभी कुछ कर नहीं सकती। जेडीयू जैसी पार्टियां 12 सांसद जीतकर जहां गंभीर नजर आ रही है, वहीं बीजेपी की बैसाखी पर 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान अब आंखें दिखाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान से मोदी सरकार काफी असहज महसूस कर रही है। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या फिर भारत बंद या फिर लेटरल एंट्री या अब जाति आधारित जनगणना पर दिए बयानों से विपक्षी पार्टियां काफी खुश होंगी। खासकर आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसे में झारखंड में चिराग पासवान बीजेपी के लिए विलन बन सकते हैं। That have not been, thank you very much, श्री चिराग पासवान। आप अपने मर्जी से चला क्यों? Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity कि भारतीय संसद की 75 सालों की इस यात्रा पर तमाम सम्मान्य साथी अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी उपलब्धियां उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है सर, एक दिन कुछ घंटे इन 75 सालों की यात्रा को समअप करके बताने के लिए बहुत कम है। पर मैं बधाई दूंगा जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतने खूबसूरत शब्दों के साथ जिस तरीके से इस 75 साल की यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा बखान किया, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान से लेकर इस संसद को चलाने में छोटे से छोटे कर्मचारी के योगदान तक की उन्होंने सराहना की, उनको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया, मीडिया के हमारे साथियों का भी उन्होंने जिक्र किया। यकीनन कई ऐसी यादें सर इन 75 सालों में रही हैं। सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूं, युवा सांसद हूं, कंपेरेटिवली संभवतः मेरा अनुभव बाकियों से कुछ कम होगा, पर 9 साल का मेरा भी अपना अनुभव है। पर इन 9 सालों से ज्यादा सर मेरा अनुभव मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से रहा। बचपन से जब से होश संभाला, उनके माध्यम से इस संसद की कार्य प्रणाली को समझा, इस संसद की कार्य शैली को समझा, और जब पहली बार इस लोकसभा में आया तो उन्हीं का ही हाथ पकड़कर आया। आज जब हम लोग नई संसद में जा रहे हैं तो यकीनन कई ऐसी यादें कौंधती हैं और यकीनन एक भावुक क्षण है, महसूस होता है कि जिस जगह पर मुझे मेरे पिता लेकर आए थे, आज एक नई यात्रा की ओर हम लोग जा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये हम जैसे जो आज की तारीख में इस लोकसभा में मौजूद हैं, संसद में मौजूद हैं, राज्यसभा के भी सदस्य, हम लोग ले ये गर्व का लम्हा है, जहां एक तरफ हम लोग इतिहास के भी हम लोग साक्षी रहे हैं, वहीं एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य की भी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो कड़ी बनने का सौभाग्य हम लोग को मिला इतिहास और भविष्य के बीच, जो यकीनन मौजूद यहाँ पे तमाम सांसदों के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है। सर आज जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने एजेंडे हैं और एजेंडे हैं इसीलिए वो राजनीतिक दल है। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा कि इस विशेष सत्र में ये चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे आने चाहिए। यकीनन सर मेरी भी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि कई विषय हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं युवा हूं, हमेशा इस बार का मैं पक्षधर रहा हूं कि भारत में
एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए, एक नेशनल युवा कमीशन, एक नेशनल, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जहां पे युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाएं और अपना समाधान लेकर आएं। भारत एक युवा देश है, अलग अलग आयोग यहां पर बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है, ये होना चाहिए। साथ ही में हम लोग चाहते हैं सर, विमेन रिजर्वेशन बिल पे भी चर्चा हो रही थी, वो भी हम लोग चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द आए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद जो यहां पे मौजूद हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, ऐसे में इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट विमेन रिजर्वेशन बिल आने से जरूर और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही में लंबे समय से हम लोग की मांग रही है एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां से वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सके, ताकि उनके साथ जो अभी तक भी रह रहकर भेदभाव या अन्याय होता है उसको दूर किया जा सके। पर इन तमाम विषयों को अलग अलग मंचों पे हम लोगों ने रखा है सर, ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां पर भी, पर हम लोग सिर्फ इन एंटिसिपेशन की क्या होगा क्या होगा, कहीं ना कहीं इस लम्हे की खूबसूरती को हम लोग खो रहे हैं। आज मैं बस यही आग्रह करूंगा कि कौन सा बिल आ रहा है नहीं आ रहा है, पर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है ये इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी को लेकर बुलाया गया है। हम लोग का ध्यान यकीनन केंद्रित उस तरफ भी होना चाहिए, ताकि इस लम्हे की खूबसूरती को हम ना भूल जाएं। पूरा देश नजर लगाए इस पर, देख रहा है कि कैसे हम लोग यहां से दूसरी नई संसद में हम लोग जा रहे हैं, देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और आज सर, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर जिस तरीके से भारतीय संसद के 75 सालों का इतिहास रहा है, मैं उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही हम लोग एक विकसित देश की हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। और जो लक्ष्य है 2047 में विकसित देश के निर्माण का, उस लक्ष्य को हम लोग नई संसद से हम लोग जरूर अचीव कर पाएंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करूं सर, मैं जरूर अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूंगा, और मुझे लगता है हम सब यहां पर हैं भारत की जनता की वजह से, अपने अपने क्षेत्रवासियों की वजह से। मैं जमुई से आता हूं सर, मैं जमुई वासियों का धन्यवाद करूंगा, मेरे नेता मेरे पिता अगर आज जीवित होते और यहां पर होते तो जरूर वो भी अपनी कर्मभूमि हाजीपुर का जिक्र करते। मैं पूरे अपने प्रदेश बिहार का और देशवासियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भारतीय संसद को इतना सशक्त इतना मजबूत बनाया कि आज जब दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो G20 जैसे इतने भव्य आयोजन को देखकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया उसको देखकर, देश ही नहीं पूरी दुनिया बढ़ते विकसित भारत के बढ़ते कदमों की सराहना करती है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का भारत को नई संसद देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, और यहां पर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री ईटी मोहम्मद बशी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।